हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज बादशाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑल स्मार्ट गैजेट। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करके बताने वाले हैं एक सैमसंग कंपनी की तरफ से आने वाला कीपैड फोन का। दोस्तों ये जी हाँ दोस्तों, ये है कीपैड फोन जो कि यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ देख सकते हैं गुरु म्यूजिक 2। इसी के बारे में जानेंगे दोस्तों, इस लेकर जेड तक बोले तो क्या खास बातें हैं, क्या क्वालिटी है, क्या प्राइस है, कहाँ से ले सकते हैं, क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं, ये आपके काम का है या नहीं, सही अगर देंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो आप बहुत दिन सोच रहे थे ऐसा कुछ लेने के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, फिर घर में यूज के लिए, फिर जैसा भी यूज के लिए। दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक कर देखते रहें ताकि लास्ट तक ये डिसाइड कर सके कि ये म्यूजिक 2 बोले तो जो कि सैमसंग कंपनी की तरफ से आता है कीपैड फोन आपके काम का है, आपको लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में फालतू बात नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने पर दोस्तों ये बोलना चाहूँगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेने का, वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए, लगे जानकार दोस्तों तक जाना चाहिए तो फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं फाइनली खोल के, देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा सैमसंग कंपनी की तरफ से आने वाला एक कीपैड फोन जिसका नाम है दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गुरु म्यूजिक 2। साइड से कुछ चीज़ें दिखाया गया दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कीपैड फोन में जो भी रहता है मेन फीचर उसको हाईलाइट कर दिया जाता है बॉक्स में, तो इसका भी दिया हुआ दोस्तों देख सकते हैं बॉक्स में भी बता दिया गया है। 5.1 सेंटीमीटर का इसका डिस्प्ले मिल जाता है दोस्तों, म्यूजिक प्लेयर मिल जाता है, माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट मिल जाता है जैसे कि माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं, बोले तो मेमोरी कार्ड, एफएम रेडियो मिल जाता है दोस्तों, साथ में टॉर्च मिल जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, बहुत सारा लंबा सा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो चाहे तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर भी चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ यहाँ पे कुछ कुछ खास बातें जो कि लिखा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ आरएस दिया हुआ है 1950 रुपये, जो कि इसका इतना है ना दोस्तों, हम आपको लास्ट में बताएंगे इसका ऑनलाइन ऑफलाइन कितना प्राइस पड़ने वाला है, ठीक है। देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग दिया हुआ है 2020 का, बोले तो ये मोबाइल बना हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है एक साल का वारंटी साथ मिल जाता है ये मोबाइल। चलिए दोस्तों इससे ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, देखते हैं फाइनली इसे खोल के। खोलिएगा दोस्तों अपन एक कटर का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से कट कर देंगे, ठीक है। तो देख सकते हो दोस्तों सबसे पहले आपको मिल जाता है एक मोबाइल, और देख लेते हो दोस्तों साथ में क्या क्या मिल जाता है। तो देख सकते हैं एक चार्जर मिल जाता है, बैटरी मिल जाता है, एक अच्छी बात है दोस्तों इसका हेडफोन मिल जाता है, जैसा कि जानते हैं बड़े बड़े कंपनियां बड़े बड़े मोबाइलों में हेडफोन तक नहीं देता है, लेकिन सैमसंग वालों ने दोस्तों छोटे से मोबाइल में भी हेडफोन दिया है, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। और साथ मिल जाता है बहुत सारा लंबा चौड़ा बोले तो मोटा सा दोस्तों एक कंपनी तरफ से आने वाला प्रेम पत्र। प्रेम पत्र बोले तो दोस्तों यूजर मैनुअल गाइड, जिससे कि लोग जल्दी पढ़ते नहीं, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ के मोबाइल के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। इसी के अंदर वारंटी कार्ड भी मिल जाता है दोस्तों। चलिए इसको रखते हैं साइड में। सबसे पहले बता दो दोस्तों उसके चार्जर के बारे में, देख सकते हो दोस्तों चार्जर कुछ इस तरह से मिल जाता है, जिसका क्वालिटी ठीक ठाक है, माइक्रो एसडी मिलता है दोस्तों, जैसा इसका मोबाइल है दोस्तों इसका चार्जर भी है माइक्रो, इसको भी रखते हैं दोस्तों साइड में। ये देख लेते हैं हेडफोन का क्वालिटी दोस्तों किस तरह से मिल जाता है, चलिए इसको खोल लेते हैं पहले और बताते हैं इसका क्वालिटी कैसा मिलता है। इसका बिल्ड क्वालिटी दोस्तों से कहना ही नहीं है, ज़बरदस्त साउंड भी अगर आप सुने होंगे तो आपको पता होगा इसका साउंड ज़बरदस्त रहता है। इसको भी रखते हैं दोस्तों साइड में। और बता दो दोस्तों इस बैटरी के बारे में कि बोले तो कितना एमएच का मिल जाता है, तो ये मिल जाता है दोस्तों आपका 800 एमएच का। जी दोस्तों 800 एमएच है जरूर, लेकिन इसका एमएच पर ना जाए क्योंकि इसका बैटरी बैकअप दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त देता है, जैसे कि आप जानते हैं सैमसंग बैटरी के मामले में दोस्तों बहुत ही सबसे आगे है, जितना भी कीपैड फोन रहता है दोस्तों सबसे ज़्यादा बैटरी बैकअप इसका देता है दोस्तों, इसलिए आपको 5 से लेकर 7 दिन तक चल जाता है, ठीक है। मैं पर्सनली यूज नहीं किया दोस्तों, लेकिन जितने भी सारे लोग यूज हैं बहुत लोग से मैंने पूछा हूँ कि इसका बैटरी बैकअप कैसा होता है, लोग सबका कहना है 5 दिन से लेकर 7 दिन तक देता है, अगर लगातार यूज करते हैं दोस्तों तो 4 से लेकर 5 दिन तक तो दे ही देता है, ठीक है। और देख लेते हैं फाइनली इस मोबाइल का, तो देख सकते हैं मोबाइल दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है पर्सनली मुझे, येलो कलर और ब्लैक कलर में कॉम्बिनेशन में मिल जाता है। आगे से कुछ इस तरह दिखाया गया दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे स्पीकर मिल जाता है, जैसे कि आप कॉल आएगा तो यहीं से आप सुन सकते हैं। इसका बटन मिल जाता है दोस्तों रबर का, जो कि बहुत अच्छा क्वालिटी का है, यहाँ से गाना प्ले कर सकते हैं, पॉज भी यहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। और पीछे से मिल जाता है छोटा सा स्पीकर, और यहाँ पे 3.5 mm का जैक मिल जाता है दोस्तों, यहाँ पे आप लगा के गाने सुन सकते हैं, देख सकते हैं छोटा सा टॉर्च मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे चार्ज लगने वाला स्लॉट मिल जाता है, यहीं से आप लगा के चार्ज कर सकते हैं। और इसका बिल्ड क्वालिटी दोस्तों कहना ही नहीं, क्योंकि सैमसंग का आप जानते होंगे सैमसंग का बिल्ड क्वालिटी किस तरह से रहता है, खासकर कीपैड फोन दोस्तों, ठीक है। बिजली गिरेगा कितने दोस्तों ये टूटेगा बिल्कुल नहीं। इसका दोस्तों मटेरियल यूज किया गया है बहुत ही हैवी क्वालिटी का, ठीक है। और तो कुछ इसमें दिखता है दोस्तों, चलिए इसको फाइनली बैटरी लगा कर देख लेते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों बैटरी, आप पहले बता दूँ आपको यहाँ पे
ये डबल सिम लग जा पाया है और यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रो एसडी कार्ड लगने का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप इसमें लगा के गाने वगैरह भी सुन सकते हैं। चलिए दोस्तों इसको ऑन कर लेते हैं। ये दोस्तों देख सकते हैं मॉडल नंबर लिखा गया इसका, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बोल रहा है डेट एंड टाइम सेट करने के लिए। तो अपने पास सिम नहीं है दोस्तों, सिम लगा देते ऑटोमेटिक ये डेट एंड टाइम सेट हो जाता, तो नहीं अपने पास यस या नो बोल रहा है, चलिए इसको दोस्तों नो कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी 1% खिसका हुआ है, बाकी 4-5% बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे राइट कोने में क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ कॉन्टैक्ट मिल जाता है, और यहाँ पे लेफ्ट कोने में क्लिक कीजिएगा तो मेनू मिल जाता है। मेनू में देख सकते हैं दोस्तों मिल जाता है कॉल हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट, म्यूजिक प्लेयर, मैसेज, फाइल मैनेजर, कैलेंडर, अलार्म, और दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट सेटिंग, और एक रेडियो मिल जाता है दोस्तों देख सकते हैं, गेम भी मिल जाता है साथ में। बस इतना ही मिलता है दोस्तों, और ज़्यादा कुछ उसमें नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ खास फीचर जो मिलता है ना, इसमें कैमरा मिलता है ना, इसमें वीडियो प्लेयर मिलता है ना, कुछ और एक्स्ट्रा फीचर मिलता है। इसलिए दोस्तों इसका बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा देता है, ठीक है। ओवरऑल इसको बिल्ड क्वालिटी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, तो मैं रिकमेंड करूँगा दोस्तों अगर आप लेना चाह रहे हैं सेकेंडरी फोन इस्तेमाल करने के लिए, जो कि आप बड़ा मोबाइल यूज करते हैं बोलते स्मार्टफोन और साथ में रखना चाहते थे कीपैड फोन, तो इसे आप इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों, ये देखने में भी अच्छा दिखता है और आपका बैटरी बैकअप भी ज़बरदस्त दे देता है, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन ही मिल जाएगा दोस्तों 1600 से लेकर 1700 तक, और अगर इसी का ऑनलाइन लीजिएगा दोस्तों 1800 से लेकर 1900 तक भी लग सकता है। देख ले अपना अकॉर्डिंग जहाँ आपको मिलता है दोस्तों इसे आप परचेस कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, थोड़ी सी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेने का सब्सक्राइब, को मैं छोटी घंटी दिखा घंटी घर लोस दबा के बड़ा सा घंटा बना देने का, ताकि जब भी नया वीडियो डालूंगा मैं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।